पहले है वो नरेंद्र मोदी को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से ये सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए डिस्कस करते हैं नरेंद्र मोदी को प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची के बारे में। सूची है अब्दुल अजीज अल सऊद का आदेश सऊदी अरब का मिला था, अफगानिस्तान से मिला था, गाजी अमीर अमानुल्लाह खान का राज्य आदेश, फिलिस्तीन से मिला था, फिलिस्तीन राज्य पुरस्कार का ग्रैंड कॉलर, संयुक्त अरब अमीरात से मिला था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कक्षा ऑफर्स, अपनी कक्षा अपना एग्जाम। आज 18 दिसंबर 2021 और 18 दिसंबर 2021 के हम उन 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को है वो इस वीडियो लेक्चर का है वो बेनिफिट मिल सके। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में वो कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है एम एम नरवणे, विवेक राम चौधरी, करमवीर सिंह, आर हरिकुमार। तो हाल ही में 8 अगस्त को हमारे चीफ ऑफ स्टाफ बिपिन रावत जी का है वो निधन हो गया था एक हवाई दुर्घटना में। तो उनकी जगह है वो हाल ही में एम एम नरवणे को है वो चीफ ऑफ स्टाफ है वो उनके अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया है। यह है एम एम नरवणे जो कि सेना के जनरल प्रमुख के रूप में जाने जाते थे, सेना के जनरल प्रमुख, उनको है वो सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया। अब इनको क्यों नियुक्त किया गया? क्योंकि जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं में है वो ये सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, सबसे वरिष्ठ, इसलिए इनको ये चुना गया है। अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो अदर ऑप्शन में विवेक राम चौधरी है वो वायुसेना के प्रमुख है, आर हरिकुमार है वो नौसेना के प्रमुख है, नौसेना के प्रमुख आर हरिकुमार, और करमवीर सिंह है वो पूर्व नौसेना के प्रमुख थे, पूर्व नौसेना के प्रमुख थे, जिनकी जगह है वो हाल ही में आर हरिकुमार ने लिए। तो ये मोटा मोटा आपको इनके बारे में ध्यान में रखना है। तो सीडीएस पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो सीडीएस पोस्ट है वो जो सीधे सरकार को सेना के बारे में सलाह देता है। इसमें है वो नौसेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों ही सेना है वो सम्मिलित होती है। इसमें क्या होता है, जो नौसेना, थल सेना और वायुसेना के प्रमुख है वो को चीफ ऑफ डिफेंस को है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को है वो सीधा उनसे डिस्कस करते हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो सीधा गवर्नमेंट से है वो डिस्कस करते हैं। तो इसलिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में ये ऐलान किया था लाल किले से कि वो एक ऐसा पोस्ट क्रिएट करने वाले हैं जो कि तीनों सेनाओं को है वो रिपोर्ट करेंगे डायरेक्ट गवर्नमेंट को। तो 1 जनवरी 2020 से है ये सीडीएस का पोस्ट है वो क्रिएट किया गया था, और पहला सीडीएस है वो बिपिन रावत को है वो नियुक्त किया गया था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है सीडीएस के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीवीएस मोटर ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है ह्यूंडई, महिंद्रा, बीएमडब्ल्यू, टाटा मोटर्स। तो हाल ही में टीवीएस मोटर ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए बीएमडब्ल्यू के साथ है वो समझौता किया है। किसके साथ? बीएमडब्ल्यू के साथ है वो समझौता किया है। ये बीएमडब्ल्यू और टीवीएस मोटर कंपनी है वो दोनों साथ में मिलकर एक मोटरसाइकिल है वो लॉन्च करेगी जो कि इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में विकसित होगी। इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो 24 महीनों के अंदर अंदर एक मॉड्यूल तैयार करेंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रिक मॉड्यूल तैयार करेंगे जो कि शहरी पारिस्थितिक तंत्र के अनुकूल होगा। अदर एग्जाम पॉइंट ऑफ डिस्कस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपोर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। तो टीवीएस मोटर कंपनी के सीईओ है वो के एन राधाकृष्णन है, और मुख्यालय इसका चेन्नई, और संस्थापक है टीवी सुंदरम अयंगर, और इसकी स्थापना है वो 1978 में की गई थी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना टीवीएस मोटर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में शामिल हुए? ऑप्शन है आर एन रवि, लिन्ना नायर, रविंद्र भाकर या फिर अरविंद कुमार। तो हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में शामिल हुए अरविंद कुमार, ये है अरविंद कुमार जो हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में शामिल हुए। अब ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया है ये है क्या एक्चुअली में? तो ये एक स्वायत्त निकाय है जो कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ये आता है। एसटीपीआई है यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये उबरते प्रौद्योगिकी डोमेन में 25+ यानी कि 25 से ज्यादा है वो उद्यमिता केंद्र लॉन्च करके देश में तकनीकी उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को ये बढ़ावा दे रहा है, ये वर्क कर रहा है अपने इंडिया में। कौन? एसटीपीआई। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की स्थापना है वो 1991 में की गई थी, और इसका मूल संगठन है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप ने हरित ऊर्जा के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है गुजरात सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार या फिर सिक्की, यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो हाल ही में अडानी ग्रुप ने है वो हरित ऊर्जा के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ है वो एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत
अडानी ग्रुप है वो 4,667 मेगावाट की हरित ऊर्जा है वो उसकी आपूर्ति करना चाहता है। ये है वो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा हरित बिजली खरीद समझौता है, यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट सबसे बड़ा है हरित बिजली खरीद में। ये समझौता है वो जून 2020 में सेकी द्वारा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दिए गए 8,000 मेगावाट के निर्माण सोलर टेंडर का एक हिस्सा है, उसी के तहत ये समझौता हुआ है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना है वो 2011 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली और अध्यक्ष है इंदु शेखर चतुर्वेदी और प्रबंध महानिदेशक है इसके सुमन शर्मा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है सेकी के बारे में। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इंडिया सोलर अलायंस ISA इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को SJFI मेडल 2021 से सम्मानित करने का फैसला किया है? ऑप्शन है सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी। तो हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वो सुनील गावस्कर को किसे सुनील गावस्कर को है वो पूर्व को SJFI मेडल 2021 से सम्मानित करने का फैसला किया है। ये है सुनील गावस्कर, आप सभी जानते होंगे इनको, इनको है ये अवार्ड देने का फैसला किया है। इस अवार्ड के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो इसकी स्थापना है वो 27 फरवरी 1976 को ईडन गार्डन, कहां पर? 27 फरवरी 1976 को ईडन गार्डन कोलकाता, है जिसको हम अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 एथलेट ऑफ द ईयर चुना है? ऑप्शन है सिमोन बिलेस, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2021 एथलीट ऑफ द ईयर चुना है सिमोन बिलेस को। यह है सिमोन बिलेस, सिमोन बिलेस इनको है वो हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2021 एथलीट ऑफ द ईयर है वो चुना गया। 4 बार के ओलंपिक पदक विजेता है ये, जो कि दुनिया की सबसे सजी हुई जिम्नास्ट को अपने मानसिक स्वास्थ्य को सबसे पहले रखने के लिए सम्मानित किया गया, जब वहां टोक्यो ओलंपिक में 4 इवेंट है वो फाइनल से हट गई थी। उनको एक झटका लगा था, उस झटके के बावजूद है वो 24 वर्षीय टोक्यो खेलों में बैलेंस टीम बीम में एक टीम को रजत और कांस्य पदक जीतने में वो सफल रही थी। हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में एक्चुअली में सैकड़ों एथलीटों के साथ है वो एक दुर्व्यवहार किया गया था, उसी दुर्व्यवहार को देखते हुए सैकड़ों एथलीटों के साथ है वो बिलेस ने FBI USA जिम्नास्टिक और USA ओलंपिक और पैरालंपिक समिति पर दुर्व्यवहार को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया था। टोक्यो ओलंपिक के 1 महीने बाद विलेस ने यूएसए जिम्नास्टिक्स टीम के पूर्व डॉक्टर लैरी नासर, जिसको लैरी नासर है वो यौन शोषण कांड में अमेरिकी सीनेट की सुनवाई में उन्होंने भावनात्मक गवाह दी थी, तो उन्हीं को देखते हुए इन्हें एथलीट ऑफ द ईयर है वो नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर कितनी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? ऑप्शन है 20, 30, 20, 19, 21। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि महिलाओं की है वो शादी की न्यूनतम उम्र है वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाए, उनको है वो हाल ही में मंजूरी दे दी इस प्रस्ताव को। सरकार अब योजना को अमल में लाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन करने पर भी विचार करेगी। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? तो इससे बहुत सारा बेनिफिट होगा, क्या जैसे इससे छात्रा को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा, स्वतंत्रता का आनंद लेने में सक्षम होंगी छात्राएं, उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। 2017 की एक रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र की, उसके अनुसार है वो भारत है वो बाल विवाह को रोकने और अपनी माताओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए संघर्ष कर रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 27% भारतीय लड़कियों की शादी है वो 18 साल की उम्र से पहले ही कर दी गई थी। तो इस रिपोर्ट के अनुसार और इसके बाद हाल ही में ये फैसला ले लिया गया है कि उनकी शादी की न्यूनतम उम्र है वो 18 से बढ़कर 21 की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान ने किसको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से है वो सम्मानित किया है? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी या फिर हाल ही में इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भूटान के PM ने है वो नरेंद्र मोदी को उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से है वो सम्मानित किया है। इस पुरस्कार का नाम क्या होगा? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसका नाम है नगदग पहलगी खोरेलो। ये इस पुरस्कार का नाम है, उससे है वो हाल ही में सम्मानित किया गया। भूटान के PM है लोटे शेरिंग, उन्होंने इसको है वो दिया था PM मोदी को। ये सम्मान PM मोदी को क्यों दिया? तो उनके शासन के तहत है वो भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना के रूप में ये आता है। महामारी के दौरान भारत ने पड़ोसी देशों को टीके, दवाएं और अन्य आपातकालीन सेवा के रूप में ये समर्थन दिया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, यहाँ के PM है लोटे शेरिंग और यहाँ की करेंसी है भूटानी नगुल ट्रम्प, करेंसी भूटानी नगुल ट्रम्प। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इससे पहले है वो नरेंद्र मोदी को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से ये सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए डिस्कस करते हैं नरेंद्र मोदी को प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची के बारे में।
सोचिए, अब्दुल अजीज अल सऊद का आदेश सऊदी अरब का मिला था, अफगानिस्तान से मिला था, गाजी अमीर अमानुल्ला खान का राज्य आदेश फिलिस्तीन से मिला था, फिलिस्तीन राज्य पुरस्कार का ग्रैंड कॉलर संयुक्त अरब अमीरात से मिला था, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड रशिया से मिला था, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड मालदीव से मिला था, निशान इजुद्दीन के विशेष शासन का आदेश संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से मिला था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड और ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से मिला था ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। तो ये अवार्ड मिल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार की विसंगतियों को जल्द पता लगाने के लिए किसने अलर्ट समिति है वो बनाई है? ऑप्शन है नीति आयोग, सेबी, शेयर मार्केट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सेबी ने है वो बाजार की विसंगतियों का जल्द पता लगाने के लिए एक अलर्ट समिति बनाई है। अलर्ट समिति यानी कि उसकी फुल फॉर्म होगी एडवाइजरी कमिटी फॉर लिवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, ये इसकी अलर्ट की है वो फुल फॉर्म है। अलर्ट एक 7 सदस्यीय समिति है जिसकी अध्यक्षता है वो सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य माधवी पूरी पूछ, कौन माधवी पूरी पूछ है वो करते हैं और इसके सदस्य के रूप में विभिन्न प्रौद्योगिकी डोमेन के विशेषज्ञ। सेबी की स्थापना है वो 12 अप्रैल 1992 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में और इसके कार्यकारी है वो अजय त्यागी है। तो ये चीजें आपको सेबी के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी कृषि के लिए किसने UNFAO और आईकार के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने स्थायी कृषि के लिए UNFAO और आईकार के साथ है वो समझौता किया है। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किसानों को एक अच्छी कृषि प्रबंध प्रथाओं और स्थायी कृषि विधियों में प्रशिक्षित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। FAO के अलावा है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परियोजना पर सहयोग कर रही है। FAO किसानों रायतु भरोसा केंद्र में यानी कि आर्मी के गए कर्मचारियों अधिकारियों और वैज्ञानिकों को ये कृषि संबंध क्षेत्रों में नई तकनीकों पर प्रशिक्षण और किसानों को सर्वोत्तम खेती प्रबंध प्रथाओं पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। FAO का हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में, इनके प्रमुख है कौ डोंग्यू और इसकी स्थापना है वो 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी FAO की। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसकी स्थापना है वो 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय है रोम इटली में, रोम इटली। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आईकार का है वो मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी पहले वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा तक्षशिला किस देश में स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है, तो ये जेरूसलम में स्थित है। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? ऑप्शन है ईसाइयों का, यहूदियों का, मुसलमानों का या फिर इनमें से सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है क्रेमलिन मॉस्को, पेंटागन वाशिंगटन, पोसेलिन टावर काहिरा, बिग बैन लंदन। तो इनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो के लिंक को है वो आप अपने स्टडी ग्रुप में और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक, इस वीडियो का पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप है कक्षा अफेयर्स, वहां से आप इस पीडीएफ को है वो डाउनलोड कर सकते हो इजीली। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।